हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो कल के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया था वो था करवा चौथ का कमर के आसपास का फैट कैसे कम करें। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप बैली फैट कैसे कम करें करवा चौथ से पहले। ये एक अचूक उपाय है जो कि पुराने जमाने में यूज किया जाता था और मैंने आप लोगों के साथ एक दो बार इसका बात भी की है, लेकिन अभी तक इस पर मैंने प्रॉपर कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। लेकिन बैली फैट का ये एक अचूक उपाय है जिसके लिए आपको ना ही कोई डाइट करनी है, ना ही कोई ड्रिंक पीना है, जस्ट एक सेक देनी है अपने पेट के नाभि के आसपास जो भी गंदगी, जो कि सबसे बोलते हैं कठोर हिस्सा होता है चर्बी जमा होने का, जहाँ से चर्बी जल्दी पिघलती नहीं है। तो आज मैं एक आपको ऐसी पोटली के बारे में बताऊंगी जो कि अगर उस पोटली से आप अपने नाभि के आसपास का बैली फैट का लोअर बॉडी लोअर पेट के हिस्से का आप एब्डोमिनल जिसे बोलते हैं वहाँ के हिस्से पे सिकाई करेंगे तो वहाँ का फैट बहुत तेजी से जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल से जाता है। तो इस चीज पे आज मैं आप लोगों का फुल वीडियो बनाया है। तो जिन लोगों ने भी कल का वीडियो नहीं देखा है कि करवा चौथ तक आप कमर कैसे पतली करें वो देखिए, और आज का वीडियो भी फॉलो करिए करवा चौथ तक। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में एक छोटी सी बेल आइकन लगी उसे प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस पोटली को बनाने के लिए आपको चाहिए एक कढ़ाई, आप चाहे लोहे की ले किसी की भी ले, नो मैटर। तो कढ़ाई में जो हल्का फुल्का पानी है उसे मैं पोंछ देती हूँ और उसमें हम डालते हैं ऑयल, और इसके लिए आप सिर्फ मस्टर्ड ऑयल लेंगे, कोई और ऑयल नहीं लेंगे। तो आप मान के चलिए 3-4 टेबल स्पून आपको यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लेना है। नो रिफाइंड तेल, नो सरसों का तेल, कोई भी और तेल नहीं लेंगे, ध्यान से आपको मस्टर्ड ऑयल लेना है। देन उसके बाद आपको लेनी है अजवाइन, 3 टेबल स्पून तक आप अजवाइन ले, पोटली जितनी बड़ी बनानी हो उस हिसाब से लीजिए। मैं 3-4 टेबल स्पून ही लूंगी, थोड़ी छोटी ही पोटली बनाऊंगी, नॉट बड़ी। अगर आप एक साथ बड़ी पोटली, यानी कि आप ऐसा चाहते हैं कि पेट पे रखते ही ये पूरे एरिया को कवर कर ले, तो आप बड़ी बना सकते हैं। इससे पहले जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी वो थोड़ी बड़ी ही बनाई थी, ये मैं अभी आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। इसमें मैंने छोटी सी पोटली रखी हुई है। तो अजवाइन को अच्छे से इसमें पका लीजिए, यानी कि अजवाइन के एक्सट्रैक्ट इस ऑयल में आ जाए। फ्रेंड्स, अजवाइन क्या करेगी, अजवाइन स्पेशली जो भी आपके नाभि के आसपास का, पेट के आसपास का फैट जमा है और अंदर जो भी गंदगी है वहाँ पे सेक देने से, आपने सुना भी होगा कि अजवाइन की सेक हमारे पेट के लिए कितनी अच्छी होती है, तो ये उसको सेक देगी। अजवाइन और मस्टर्ड ऑयल मिलके जब एक अच्छी सी सेक देगा, सेक के लिए आप क्या करिएगा, या तो तवे पे कर लीजिएगा। स्पेशली मैंने जो प्रेफर किया था वो प्रेस को लगा के कमरे में लेट के, देन उसके बाद आप प्रेस पे उस पोटली को गर्म करते जाइए और पेट पे सेक देने चाहिए। और ये फॉर्मूला आफ्टर प्रेगनेंसी, यानी कि जो ऑपरेशन वाले हैं वो 3 महीने बाद से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अच्छे से पहले इसे पका लीजिए। तो आप देख सकते हैं अजवाइन हल्की सी रेडिश होके ब्लैक होने लगी है, इसमें से आपका जो अजवाइन है वो पक गया है। और गैस को बंद करके थोड़ी देर चलाइए ताकि ऑयल नॉर्मल हो जाए, वरना ये पूरा काला हो जाएगा। तो थोड़ी देर ऑयल को चलाना है और इसके बाद इसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद मैं बताऊंगी कि आपको इसे क्या करना है। जो ऑयल है वो हल्का हल्का ठंडा हो चुका है, इसके लिए आपको एक थाली चाहिए और इसके बाद आपको एक साफ कपड़ा चाहिए बिल्कुल, बिकॉज ये कपड़ा आपको काफी दिन तक यूज करना है और ऑयल का कपड़ा है तो गंदा भी बहुत जल्दी होगा। तो जब इस पोटली को आप अच्छे से यूज कर लीजिएगा, देन उसके बाद किसी पॉलीथिन में बांध के फ्रिज में रख दीजिएगा या फिर कहीं भी रख दीजिए, इसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक हाइजीन तौर पर आपको बता रही हूँ कि आप फ्रिज में रख लीजिएगा। इसके बाद अब आपको
ये जो अजवाइन है इसमें डालना है। बड़ी पोटली बनाएंगे, बड़ा कपड़ा लेंगे। तो इसमें मैंने सारी अजवाइन ले ली है, देन उसके बाद आपको इसे एक पोटली बनाना है। और जब आप इस पोटली को रखेंगे तो किसी कटोरी में करके रखिएगा ताकि ऑयल इसका बचा रहे, वरना इधर उधर ऑयल बेकार होगा। तो इस तरह से ये जो पोटली है वो आपकी रेडी है। और इसे आप जब गर्म करेंगे और पेट पे लगाएंगे तो अजवाइन प्रॉपर आपके पेट पे आएगा। धीरे धीरे ऑयल जब कम, जिस दिन आपको लगे कि इसका ऑयल पूरी तरह से आपके पेट पे नहीं लग रहा है, उस दिन आप इस पोटली को छोड़ के नेक्स्ट पोटली। वैसे चार दिन में ही आपको इसका इफेक्ट दिखेगा और बहुत अच्छा सा, बहुत सुकून मिलेगा जब आप पेट को सेकेंगे। 3 से 4 मिनट तक सेकिए, पेट अच्छे से गर्म हो जाए, देन उसके बाद आप सो जाइए। सोते समय करिए, काफी अच्छा है, तो एक बार ट्राई जरूर करिएगा। बहुत ही आसान सा उपाय है, लेकिन इसके बेनिफिट्स अचूक हैं। इसके बेनिफिट्स ऐसे हैं जो किसी को भी निराश नहीं करेंगे, हर कोई इसका फायदा उठाएगा। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्द एक नया वीडियो के साथ।